कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जानकर के। गांधी जी के सहायक ने बापू से कहा, आपसे चार्ली चैपलिन मिलना चाहते हैं बापू। बापू पूछते हैं, कौन चार्ली चैपलिन? गांधी फिल्में नहीं देखते थे तो किसी ने बताया, जोकर है एक। दूसरे ने टोका, नहीं बापू, एक्टर है, बहुत फेमस। बापू कहते हैं, ठीक है, मैं भी नहीं मिलना चाहता। गोलमेज कॉन्फ्रेंस अटेंड करने को बापू लंदन गए थे। तमाम मुद्दे, राजनीतिक सवाल दिमाग में उलझ रहे थे। ऊपर से प्रेस वालों, सेलिब्रिटियों, पॉलिटिशियन का तांता लगा हुआ था। कोई मैडम तुसाद म्यूजियम वाले बुला रहे थे। अब पता नहीं कि मैडम तुसाद कौन है, कोई एक गौहर जान भी है, कहते हैं मशहूर गायिका है, वह भी गांधी जी से मिलना चाहती थी। लेकिन गांधी चाहते थे कि समय निकालकर लंका शायर जाए, वहां के मिल मजदूरों से वो मुलाकात करे। चार्ली वाली बात आई और चली गई। किंग्से हॉल में उनके कार्यक्रम के आयोजक विलियम ने पूछ ही लिया कि आप चार्ली चैपलिन को समय क्यों नहीं दे रहे मिलने का। गांधी ने अपनी असमर्थता जताई। आयोजक ने बापू से कहा, आपको उससे मिलना चाहिए, वो दुनिया का सबसे मशहूर बंदा में से एक है और वो आपके उद्देश्यों से सहानुभूति रखता है, उसने गरीबी देखी है, बड़े क्रांतिकारी विचार रखता है, उससे मिलना आपके काउज में सहायक होगा। गांधी मिलने को तैयार हो जाते हैं। चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर उर्फ चार्ली चैपलिन, अनुमति लेकर अपने पैरों से चलकर उस फकीर से जिसे 1982 में पिक्चर रिलीज होने से पहले कोई नहीं जानता था, उससे मिलने आता है। अपनी ऑटोबायोग्राफी में वह याद करते हैं और लिखते हैं, ईस्ट इंडिया डॉक रोड में स्लम एरिया का वह घर जहां गांधी ठहरे थे और गांधी से मिलने के लिए सीढ़ियां चढ़ते वक्त वो नर्वस हो गए थे। वे गांधी से मिलकर आखिर क्या कहेंगे, एक्टर थे तो मन ही मन अपनी ओपनिंग लाइनें दोहरा रहे थे, मिस्टर गांधी, मैं आपके देश, आपके लोगों की आजादी का समर्थक। मुलाकात अच्छी हुई। ऑटोबायोग्राफी में चार्ली लिखते हैं, चरखे को देखकर मैंने उनसे पूछ ही लिया, मिस्टर गांधी, मैं आपके सारे विचारों से सहमत हूं, लेकिन आप मशीनों का विरोध क्यों करते हैं? गांधी बोले, चरखा चलाने का मतलब सारी तकनीक का विरोध नहीं है, ये उससे जुड़े आर्थिक और राजनीतिक तंत्र का विरोध है, शोषण की व्यवस्था का विरोध है, गरीबों से समेट कर चंद जेबों को भरने का विरोध है। इंग्लैंड ने भारत के सारे उद्योग को नष्ट कर दिया, यहां मशीनों से प्रोडक्शन शुरू किया है ताकि यहां माल बनाकर भारतीयों को बेच सके, वहां का धन यहां लाया जा सके। हम मशीन से बने कपड़ों का नहीं, उस शोषण के फलसफे का विरोध करते हैं, इसलिए चरखे से भारतीय खुद कपड़ा बनाए, खुद का उत्पाद पहने, इसलिए चरखा चलाकर इसका संकेत देता हूं। बातचीत के बाद दोनों ने साथ साथ में प्रार्थना की, गांधी ने अपने तरीके से, चार्ली ने अपने तरीके से। गांधी का भजन जरा लंबा चला तो चार्ली भी सुनते रहे, फिर दोनों ने साथ में भोजन किया। ऑटोबायोग्राफी में चार्ली ने मोस्ट ब्रिलियंट मैन ही एवर मेट और वन ऑफ द मोस्ट गॉड लाइक एज अ वेल लिखकर गांधी से मुलाकात के अध्याय को समाप्त किया। प्रेस और मीडिया से रोड के दोनों फ्लोर पैक थे, हजारों लंदनवासी सड़क पर इकट्ठे थे गांधी और चार्ली की मुलाकात का गवाह बनने के लिए। वो 2 सितंबर 1931 की शाम थी और 2024 की भी एक शाम गुजरी है जहां पूरी सब्जी बैग और 500 रुपए देकर ट्रैक्टरों से भीड़ इकट्ठा करने वाला जोकर, कभी खुद को अनपढ़ बताने वाला गांधी की गुमनामी पर दया बरसा रहा है। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे, क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है, हमने नहीं किया जी। उस फरेदी को यह नहीं पता है कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि कोई हार मान से बना ऐसा भी व्यक्ति भी इस धरती पर आया था। जब 1994 में नेल्सन मंडेला को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला तो उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय श्री महात्मा गांधी को दे दिया। उस जोकर को लगता है कि गांधी पर फिल्म आने से पहले गांधी को कोई नहीं जानता था, जैसे विवेक ओबराय की फिल्म आने से पहले नरेंद्र मोदी को कोई नहीं जानता था, कंगना रनावत की फिल्म आने से पहले झांसी की रानी को कोई नहीं जानता था, 2014 के पहले भारत देश को पूरी दुनिया में नहीं जाना जाता था। जिस आदमी की डिग्री फर्जी हो, वोटर फर्जी हो, ट्रोलर फर्जी हो, वादे फर्जी हो, इरादे फर्जी हो, उसकी बताई गई बातों को उनके द्वारा तैयार की जनता ही रफू कर सकती है। हम तो करने से रहे नहीं।